आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सैंपल है 0.16 ग्राम ऑफ CH4 का, ठीक है, और उसे हम लोग कंबसन किए हैं 27 डिग्री सेल्सियस इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में से हम लोग आपका मतलब इसका कंबसन किए हैं और बोला है कि वहां पे राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री से बढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि कैलकुलेट हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहां पे बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या होगा, CH4 प्लस O2 कंबसन का, तो यहां पे CO2 प्लस H2O। अब क्योंकि वहां पे सिस्टम में बोल दिया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो ये लिक्विड होगा, ठीक है, ये गैस होगा, ये गैस है और ये गैस है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2O2 आएगा, तो डेल्टा एन जी जो है वो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में कितना गैस है, 1 माइनस रिएक्टेंट में कितना है, 3, तो -2 का, ठीक है। तो ये तो हमारा -2 का आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमारा जो हीट ऑफ कंबसन होता है, ठीक है, हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा हो जाता है बेसिकली हीट कैपेसिटी इनटू आपका हीट कैपेसिटी किसका, कैलोरीमीटर का, ठीक है, इनटू यहां पे हो जाएगा आपका राइज इन टेम्परेचर, इनटू यहां पे आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 17 इंटू राइज इन टेम्परेचर 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास CH4 का 16, है ना, 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड 0.16। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 850 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा आ गया एक पार्ट का आंसर, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला था, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा ये बेसिकली जो आता है ये डेल यू आता है, है ना। अच्छा, अब देखिए हमें निकालना है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें वहां पे डेल एच निकालना है, तो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। डेल एच, डेल यू हमारा कितना है, अच्छा देखिए, क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ कंबसन है, तो हीट ऑफ कंबसन मतलब क्या, वहां पे रिलीज होगा। अब जब भी सिस्टम से रिलीज होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं, है ना, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ होगा ये। अच्छा, तो यहाँ डेल एनजी कितना होगा, -850, है ना, क्योंकि जब भी ऑन थ्री सिस्टम होता है तो हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, बाय द सिस्टम होता है तो हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो -850 प्लस डेल एनजी जो है वो कितना है, -2 इंटू आर जो है वो कितना है, हमारा आर जो है वो 8.314 है, ठीक है, इंटू हमारा टेम्परेचर जो है वो 300 है। अब देखिए ये तो किलो जूल में है, है ना, तो इसको इंटू 10^-3 करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -854.998 किलो जूल पर मोल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो कांस्टेंट आपका वॉल्यूम पे हीट कितना रिलीज होगा, 850, और कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा, 854.998 किलो जूल पर मोल। ओके, तो दिस इज द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।